स्कूल भितर पशिला भालु भालु आक्रमण में तीन जन आहत होती केन्दुझर नरणपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय भितर एक भालु आक्रमण में तीन जन आहत होती नरणपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय भितर एक भालु पशि सोइथिला। आज जन शिक्षक स्कूल भितर को जीवा समय प्रथम आक्रमण करथिला, तड़ीबा समय दुई जन गाँ लोक आक्रमण करथिला भालु। एथरे शिक्षक एवं दुई जन ग्रामवासी आहत होती, आहत मानक जिला चिकित्सालय में भर्ती करा जाइछि। विनय भूषण पटनायक रहुछन हमर प्रतिनिधि हमर सहित वर्तमान। विनय, ये गोटे अजब कथा कि भालू स्कूल भितर पशि सोइथिला एवं शिक्षक जिते बेले क्लासरूम भितर को जाइछन तांकु आक्रमण कला एवं तांकु भालू को तड़ीबा समय आउ दुजन गाँ लोक आहत होती। कि भालू कोठु आसिला एवं वर्तमान ये भालू कुआडे गला, आग को ए प्रकार आक्रमण भालू आउ करिबो नाही एने कि वन विभाग कौन कहूँ भालू स्कूल भितर पशिला केमिति एवं आग को जे प्रकार कोनोसी घटना घटिबो नाही से नहीं कि किसी व्यवस्था करा गला नहीं कि वन विभाग तरफ रु देखु मौसम ये स्कूल टी गाँ मझे रही एनएच 220 साइड रे ही रही है। नरणपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय वर्तमान से हाई स्कूल पाठ पढ़ा जाए, जेहेतु सरकार वर्तमान नियम रही रविवार दिन क्लास हम तेणु आज सका जिते शिक्षक आसिक स्कूल भितर जाऊँ भालुटी स्कूल हटा भितर सोचा और हटात पछाड़ पेंट को जंघ को कामुड़ देता सी चित्कार करने फल भालुटी छाड़ी पाचेरी डे जो बाहर को आसी से काठ नहीं जा भगवत साहू को हाबुड़े पड़ा चांपुड़ी मुंड को खंडिया करपर मायादर बेहरा नामक जो व्यक्ति से रास्त जाल रांपुड़ी हाथ में रांपुड़ी आहत करके बर्तमान से जो एसएफडीसी रही काठ गोदाम जंगल आड़ पलि जाइए जहां वन विभाग आमको कहते हैं। बर्तमान वन विभाग पक्षर तर डाकबाजी जंत्र लोक सतर्क कराते कहीं बाहर को बाहर नहीं हुए तो भालुटी से पाखे थे हाथी तड़ा स्क्वाड जो सब पिलाने हाथी तड़ा गाड़ी और फॉरेस्ट विभाग गाड़ी सब बर्तमान सेठे पखापाखि 25 जन खंडे वन विभाग कर्मचारी रही देखुं से भालु कुआडे गला जेहेतु जंगल टा पाखक लगुच्छे आशा कर भालुटी जंगल को पलि जाए जदि जंगल पाखरे रही स्कूल आपण जहाँ कहते कि स्कूल गाँ मझे रही तो ये प्रकार भालू पशी आसवा आज हुए तो ये जे टीचर जन रही शिक्षक जन रही आक्रमण कला जदि छोट छुआ जेहतु रविवार आज रही हुए तो पिला छात्र छात्री जब आगुआ आसी था आउ टे बड़धरण अघटन घटी था अनेक भालूटी आक्रमण कर आहत करता तो ये बड़ प्रश्न उठू जदि ए प्रकार परिस्थिति रही तेज स्कूल तेल सुरक्षा कौन भालु एथरक आसी आउ कौन जीवजंतु जंगल भितर बाहरी आसपारती वन विभाग एने के सतर्क कहीं नुहे देखु मौसम ये गोटे कथा है विकास नारे वर्तमान व्यापक जंगल ध्वंस चलते फल वन्य जंतु मानने सहर मुगा होती आगुक दृष्टांत रही है भालू गोटे गोटे दिन में 5 जन 6 जन को मारिदार घटना केन्दर नजर रही हाथी मारिवार नजर रही तेणु जेहेतु यार मात्र 100-200 मीटर दूर से जंगल रही है भालुटी कौन सी कारण चली आसी बर्तमान जेहेतु कोड़ी पाचुची महुल फुल तेणु कोड़ी खायापे हुए तो भालुटी गाँव को पलि आ वन विभाग सतर्क रहा कथा जदि भी भालू कौन कारण खाद्य अन्वेषण में गाँव भितर को आसू स्कूल भितर पशिक भालू सोई रही हूं तो क्या घरे पशि तेणु लोकंर जीवन प्रति विपद रोचे वन्यजंतु को लेकर तो ये वन विभाग कौन प्रकार फेन्सींग करमी गाँव को सुरक्षा दिज्व गाँ लोक सुरक्षा दि जापर आपड़ जहाँ कहते एक भी ठीक जेहेतु जो जगह वन्यजंतु मैंने रोचे जंगल को जदि व्यापक भाव में कटा जा तो ये परिस्थित उपजीव किंतु एटी ता अर्थ नुहे कि वन विभाग ये निष्क्रिय होकर बस कह कि गोटे रेगुलर कथा भालू चली आसे से प्रकार घटना घटला यहाँ वन विभाग उत्तर जमा भी नुहे गोटे यापाई गोटे कौन प्रकार भी हम प्रिकसन नाप पड़ फेन्सींग करूँ बाजे आसिक जगह सुविधा दिंतु लोक मूक आहत करवा स्कूल भितर पशा गाँ भर पशा ये गोटे बड़ प्रश्नवाची विनय निश्चित रूपे किंतु वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट रो मौसम ये आउ गोटे जिन सूचे चाहे बर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट रो गाइडलाइन रही
କୌଣସି ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ବାଣ ଫୁଟେଇବେ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଫାୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚକିତ କଲା ଭଳିଆ କୌଣସି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ତଡ଼ିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ବେପାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ହାତୀ ଅଞ୍ଚଳ ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ବନ ବିଭାଗର 5-6 ଗାଡି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଭାଲୁ ପା କୋଉଠି ହାତୀ ପଶିଲେ ତଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁକୁ ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗାରେ ତଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ତଥାପି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଆମେ ବିନୟ କହିବା, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଗଲାଣି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ 10ମ ଏବଂ 12ର ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ, ଯଦି ସ୍କୁଲ ହତା ଭିତରେ ଭାଲୁ ରହୁଛି ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆହତ କରିଛି, ତ ଏଠି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଅଭିଭାବକମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ବନ ବିଭାଗ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଉଛନ୍ତି କି ଘରୁ କେହି ନ ବାହାରନ୍ତୁ, ହୁଏତ ଭାଲୁଟି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ନ ଯାଏ, ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିଥିବ, ଆଉ କାହାକୁ ଆହତ ନ କରୁ, ସେଇ ନେଇକି ବନ ବିଭାଗ ତ ତାଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକୁ କେମିତି ଅଟକାଯିବ, ଆଗକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ନ ଘଟିବ, ସେ ନେଇକରି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିନୟ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବିନୟ ଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଛୁ ଆମକୁ ଏ ଖବର ଉପରେ।